बड़गोहना खुर्द से बारी बजहिया तक की सड़क हुई गड्ढे में तब्दील, पीडब्ल्यूडी की लापरवाही के कारण। प्रयागराज कौंधियारा ब्लॉक कौंधियारा के अंतर्गत ग्राम सभा बड़गोहना खुर्द में गांव के चारों तरफ काली सड़क है, लेकिन पीडब्ल्यूडी की लापरवाही के चलते सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई हैं। एक तरफ देखा जाए तो योगी सरकार का बड़ा फैसला था कि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक सभी सड़कें गड्ढे मुक्त होंगी, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने योगी सरकार के आदेशों की खुले आम धज्जियां उड़ाई। सड़क का निर्माण हुए 10 साल हो गए और उस समय काली रोड बनाई गई थी, लेकिन तब से लेकर आज तक सड़क पर दोबारा मरम्मत का कार्य नहीं किया गया। सड़क पूर्ण रूप से ध्वस्त हुआ बड़े गड्ढे के रूप में तब्दील हो गई। यह सड़क गांव के रेलवे छिंकी स्टेशन व कौंधियारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य लिंग मार्ग है, जो कि बारिश होने के कारण जगह जगह 2 से 3 फीट तक गड्ढे हो गए हैं। गड्ढे अधिक बड़े होने के कारण जगह जगह जल जमाव भी हो गया है और इन्हीं जल भरे गड्ढों से छोटे छोटे बच्चे प्राथमिक पाठशाला में पढ़ने के लिए जाते हैं। इस जलमग्न सड़क की मरम्मतीकरण के लिए ग्रामीणों द्वारा सांसद श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी को लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ और गाँव के टीकाराम राजबाबू भारतिया सतीश चंद्र शैलेंद्र तिवारी रमेश तिवारी राजमणी गुप्ता संजय जायसवाल सियाराम कुशवाहा मानसिंह पटेल हिंचलाल शर्मा सुशील कुशवाहा संजय कोटारे रामबाबू भारतिया आदि लोग एसडीएम कार्यालय पर धरना देने के लिए बाध्य हैं। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए प्रयागराज से रामबाबू पटेल की खास रिपोर्ट।